राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन दो दिन से जो है पेट्रोल और डीजल में गिरावट दर्ज की गई है। अगर आज की बात की जाए तो आज जो है 82.38 जो है आज पेट्रोल मिलेगा, 24 पैसे जो है आज पेट्रोल पे घटा है। इसी को लेकर लोगों से बात कर लेते हैं किस तरीके से प्रतिक्रिया यहाँ पर आज। सर, पेट्रोल पर आज दूसरी बार जो है गिरावट दर्ज की गई, 24 पैसे जो है आज घटा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? भाई घटा तो है, लेकिन घटा भी ठीक है, लेकिन इतना थोड़ी घटा जितना बढ़ा दिया इन्होंने जी। तो क्या कहना चाहेंगे आगे? हम ये कहना चाहेंगे अगर ये ऐसे चलता रहा तो ये पब्लिक का कैसे गुजारा होगा। अच्छा, भाई कितना और घटना चाहिए पेट्रोल जिस तरीके से बढ़ रहा था? जैसे महंगाई जिस हिसाब से चल रही है, जैसे किसान का गेहूं है उस रेंज में रहना चाहिए, कायदे की बात तो ये। इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था आपको जिस तरीके से पेट्रोल बढ़ रहा था? इतनी दिक्कत करना पड़ता है, घर के खर्चे चलाना मुश्किल हो रहा है जी। तो आज पेट्रोल कम हुआ है तो क्या खुशी है एक बात? चलो खुशी तो ये इसलिए कि जो घट रहा है तो घट तो रहा है, लेकिन इतनी खुशी नहीं है जितना समझ रहे हैं। जैसे सरकार जो है ना, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा कर दे ना, बस उसे जिसको ज़्यादा चाहिए उसे थोड़ा मिलेगा, उसको गुजारा क्या चलेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल है। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि और पेट्रोल जो है घटना चाहिए। तो वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो 11 पैसे जो है सस्ता हुआ है आज, जो है डीजल 75.48 जा पहुंचा है। जिस तरीके से बात की जाए, पेट्रोल और डीजल पे लगातार बढ़ रहा था पेट्रोल और डीजल, और आज जो है 11 पैसे बढ़ा है। आज आपको दिखा दें 75.48 जो है आज डीजल मिलेगा। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि बड़ी राहत जो है यहाँ पर पब्लिक को मिलेगी। इसको लेकर जो है काफ़ी लोग गुस्साई थे जब जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ रही थी, और दो दिन से जो है आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें में गिरावट दर्ज की गई है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मोहित शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।